ओके सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों मेरा नाम है धीरज, और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग सेम टू सेम ऐसे इस फोटो को एडिट कैसे कर सकते हैं, आपको इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है। प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए इस फोटो को, ठीक है? मैं अभी जूम कर रहा हूँ, तो जैसे कि आपको पता होगा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार मैं जो बातें बोलूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से इस पिक को क्लिक करवाना होगा एंड किस तरीके से इस पिक को एडिट करना होगा, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताने वाला कि किस तरीके से आपको वर्क करना होगा अपने पिक पे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको एक बार यहाँ पे नोटिस करनी होगी कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी आईज, ठीक है? यहाँ पे एकदम रेड कलर की आईज है एंड आईज में से जो है वो आंसू निकलते दिख रहा है, ठीक है? और हमको भी इसी तरीके का एक इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? आई नो मतलब थोड़ा सा यार मुश्किल है ये, लेकिन हम लोग कर लेंगे यार, ठीक है? सो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? सो जैसे कि आपको बता होगा, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड यार नीचे कमेंट कर दो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखनी है, ठीक है? ये वीडियो भी मैं इसकी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करी थी और मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे आके भी पूछा था कि किस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड बहुत ही अमेजिंग आइडिया है यार, जाओ फॉलो करो, ठीक है? एंड चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस इफेक्ट को देख सकते हो, मतलब देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ठीक है? एंड थोड़ा बहुत मुश्किल भी है, ठीक है? इसको क्रिएट करना है एंड इसको क्लिक करवाना, ठीक है? ऐसे फोटो को तो सबसे पहले अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ठीक है? सो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये फेक आइज है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्शन है एकदम डार्क है यहाँ पे एंड यहाँ से जो पोर्शन है एकदम वाइट है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ इस फोटो को क्लिक कैसे करा गया है, ठीक है? प्लीज़ ध्यान से सुनना, और आपको इस फोटो को क्लिक कैसे करना होगा वो तो मैं बता दूंगा, ठीक है? तो आपको सिंपल से एक पेपर लेना होगा एंड उसके ऊपर कुछ स्माइली से ऐसी ड्राइंग करनी होगी एंड ऐसा फोटो बैठ के क्लिक करवा देना होगा, ठीक है? फिर आपका जो फोटो क्लिक कर रहा है ना उसको आपको एक ही बात बोलनी होगी, भाई मैं तो किसी पोजिशन में रहने वाला हूँ, ठीक है? तू बस एक काम करियो, ऐसा दूर से पिक ले ले, ठीक है? उसके बाद मेरे फेस का या फिर मेरी आइज़ का एक क्लोजअप पिक ले ले, ठीक है? इतना करने के बाद आपको यार मतलब अपने फोटो को एकदम मतलब अच्छी तरीके से अभी मैं सिखाऊंगा उस तरीके से आपको उसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस फोटो की क्वालिटी देख सकते हैं, यहाँ पे शार्पनेस भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, ठीक है? सो उस तरीके से आपको अपने फोटो के ऊपर काम करना होगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल मतलब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपको अपनी, देखो आप तो इतना कर लोगे मेरे को पता है, और आपको अगर लाइटरूम यूज़ करना आता है या फिर कोई भी स्नैपशीट यूज़ करना आता है तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट तो आप लोग अपने फोटो में यार क्रिएट कर ही लोगे, ठीक है? क्योंकि मतलब आप लोग यार इतनी वीडियोज़ देख रहे हो, कुछ भी देख के आप लोग मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हो, मतलब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको आता होगा ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे टफ चीज़ क्या है, कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना, ठीक है? तो ओनली मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इतना ही बताऊँगा कि आपको क्या करना होगा, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया, एक पिक दूर से क्लिक करना होगा आपको, अगर आपको सेम टू सेम ऐसा फोटो एडिट करवाना है अपना, ठीक है? और एक पिक करना होगा क्लोजअप पिक, ठीक है? उसके अंदर अभी मैं आपको बताऊँगा आपको क्या करना है, ठीक है? सो चलिए यहाँ पर मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। ओके, सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यार प्रॉपरली एक फ़ोटो को डाउनलोड करा था एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने के लिए, मतलब बहुत ही मुश्किल से यार ऐसा फ़ोटो मिलता है, ठीक है? एंड यहाँ पे इस फोटो के अंदर मेरे को देख के लग रहा है आपको मैं समझा पाऊँगा एकदम प्रॉपरली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ लो आपका ये पिक है जो क्लोजअप से लिया है, आइज़ है, ठीक है? आपकी आइज़, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा उस फोटो के अंदर, आपको इस फोटो को मर्ज करना होगा आपके क्लोजअप पिक को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फोटो फट जाएगा, DSLR से लिया है तो कोई बात नहीं। मैंने दो फोटो क्लिक करने को बोला क्योंकि बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसी एडिटिंग के लिए, मतलब क्लोजअप पिक हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है? DSLR से लेते हो तो कोई बात नहीं यार, फोटो तो फुल जूम होगा एंड फोटो को आप लोग अच्छी तरीके से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है? एंड अगर जो फ़ोन से लेते हैं उसको मैं बोलना चाहूँगा कि यार दो फोटो आपको क्लिक करने होंगे, क्लोजअप से एंड एक थोड़ा सा दूर से। उसके अंदर फिर आपको आइज को मर्ज करना होगा। अगर आपको पिक्सार्ट को एकदम प्रॉपरली यूज़ करना सीखना है ना तो मेरी आप लोग बहुत सारी वीडियोज़ है वो देख सकते हो, मतलब बैकग्राउंड इरेजिंग वगैरह, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन टॉप की मेरी जितनी वीडियोज है उनकी लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है? सो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना होगा, सिंपल से ड्रॉ के टूल में जाना होगा, ठीक है? प्लीज़ पूरा वीडियो देखना यार, प्लीज़। इसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देने होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपको ड्रॉ के टूल के अंदर जाके क्या करना होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करूँगा, एक रेड कलर को सिलेक्ट करूँगा। आप लोग कुछ लाइट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डार्क सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि हमको रेड आइज बनानी है। सो यहाँ से मैं कर लेता हूँ डन एंड यहाँ पे ड्रॉ पे चलते हैं। एंड यहाँ पे आप जैसे कि साइज़ देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके के रखी हुई है ओपोसिटी एंड साइज़ को, आप लोगों को मतलब कर देना होगा अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है? एंड समझ लो यहाँ पे ये आपकी आइज़ है। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करना होगा। आई होप बहुत से लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये तो मेरे को आता है, ठीक है? तो यार बस इतना सा आपको नहीं करना है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारा वर्क करना होगा एकदम प्रॉपरली तरीके से। मैं आपको बताऊँगा कि आपको रेड आइज़ क्रिएट करनी है, मतलब कि रियली में कोई रो रहा है ऐसा दिखाना है आपको।
तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे मतलब छोड़िएगा मत इस वीडियो को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे अंदर, ओके। सो यहाँ पे आपको, आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाएगा फिर, मतलब बहुत ही ऐसा लगेगा दो तीन दिन से बंदा रो ही रहा है देख के ऐसा लगेगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया है रेड, चलेगा थोड़ा छूट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके अंदर बस रेड इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया, दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ से वापस से मैं करूँगा यहाँ पे डन, यहाँ पे ये वाला अब, एंड ठीक है, ओके। एंड दोस्तों एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ आपको टॉप की वीडियोज़ मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ मिलेगी। आई होप आपको वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, वहाँ पे बहुत सारी लिंक्स दी है मैंने, उन वीडियोज़ को भी देखो और सीखो यार प्रॉपरली तरीके से, एकदम प्रो एडिटर बन जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे वापस से करता हूँ। एंड और एक बात यार, अब तो वीडियो रेगुलर आने ही वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करी थी और आज भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेड इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल से जाना होगा एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में ओवरले इफेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रेड आइज हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मेंटेन करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो देखो आप समझ लो ये कोई गोरा बंदा होगा या गोरा मतलब कोई लड़की का मतलब आइज होगी, ठीक है, जो जिसका स्किन कलर बहुत ही वाइट होगा तो उसके ऊपर ये कुछ ऐसा लगेगा। अगर आप मतलब आपका स्किन कलर ब्राउन है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा डार्क यहाँ पे ओपेसिटी रख सकते हो, क्योंकि दूर से भी दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके मतलब स्किन टोन से मैच हो ऐसे लगेगा रियल फोटो, इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसके ओपेसिटी कुछ इस तरीके की कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको मर्ज कर दूंगा, यहाँ से डन कर दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आपको इफेक्ट्स में जाना होगा, इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको आर्टिस्टिक में जाना होगा, आर्टिस्टिक में जाके आपको ये ब्लर वाला ऑप्शन है ना वहाँ पे चलना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर चाहे तो आप लोग कुछ इस तरीके का इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना लगेगा, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेड लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये इफेक्ट रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा है। तो यहाँ से मैं इसका अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ से हाई कर रहा हूँ, और यहाँ से आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, ठीक है, इसका अमाउंट। HDR लुक मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं 10% तक रखूँगा, एंड इसको भी कुछ इस तरीके से 70% तक रखूँगा, ठीक है, 70% हो चुका। एंड यहाँ से कर दूँगा डन। अब यहाँ पे आपको आंसू को क्रिएट करना है, वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको भी अपने फोटो में सेम ऐसे ही इफेक्ट देने होंगे, उसके बाद तो आपको पता है यार फोटो के अंदर रियल लुक कैसे दे। मेरी Lightroom की वीडियोस आप लोग देख लो, ठीक है। तो मैंने यार सोचा क्यों ना आपको ये वीडियो करके बताऊं, ठीक है। एंड यार मतलब वीडियो 20 मिनट की हो जाती अगर मैं आपको प्रॉपर सब कुछ बताता, ठीक है। एंड मेरे को पता था यार मतलब प्रॉपर अगर मैं बताऊंगा तो सब बोलेंगे ये तो आता है मेरे को, जो नहीं पता स्किप करके देख लेते, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट वही पोर्शन से स्टार्ट करें जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि नहीं यार मुझे ये देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब यहाँ पे चलते हैं, सॉरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फोटो पे चलेंगे। एंड मैंने इस फोटो को यहाँ से करा हुआ है डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आए के हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, डॉट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करके यहाँ पे जो बाकी के डॉट्स है उसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है, इरेज कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है कि आंसू आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई मैं बोलूँगा, आपको सजेस्ट यही करूँगा, ठीक है। अगर चाहो तो ये लाइटन कर सकते हो, उसके अंदर मतलब थोड़ा फेक लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं मतलब हो सके उतना आपको यहाँ पे करना होगा मल्टीप्लाई पे, ठीक है। तो ये कुछ लग रहा है कि हाँ भाई आंसू आ रहा है, तो अब उसकी ओपेसिटी को आप भी आपको नॉर्मल कर देना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपेसिटी को भी मैंने कर दिया, अब थोड़ा बड़ा कर लो तो मतलब लोगों को दिख जाएगा कि हाँ यार सही में कोई रो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे भी मैं सेम वही फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, एंड वापस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे चलने के बाद आपको वापस से इस फोटो को क्रॉप करना होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। एंड अगर आपको यार रियली में कुछ मतलब पता चला है, कुछ नया देखने को मिला है, एंड कई बार क्या होता है लोग देखने के बाद बोलते हैं नहीं पता, तो भी ऐसा मतलब खुद को बोलते हैं कि हाँ यार ये तो मेरे को पता था छोड़, फिर ऐसा करके वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि वीडियो के अंदर जो मतलब मेहनत होती है जिस बंदे ने वीडियो बनाया उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है, फिर मतलब वीडियो बनाने का मूड ही चला जाता है। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक ये करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सेट कर लेता हूँ ये जो ऊपर का जो ब्लैक है, इसको इरेज कर लेता है, आई थिंक ये नहीं जाएगा, ओके। तो ये दिख भी नहीं रहा है, चला भी जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना होगा। इसकी ओपेसिटी को भी मैंने कर लिया है कम,
ओके कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ से कर लिया है डन। उसके बाद क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे एंड देंगे हम लोग HDR लुक। ओ वाह यार, मतलब जो सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ोटो क्रिएट हुआ है यहाँ पे रियली में यार, मतलब करके दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से यार आपको कर लेना होगा यार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो अपने सारे ग्रुप्स में, अपने मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स में, जिसको भी मतलब आपके दोस्तों को भाइयों को इंटरेस्ट है एडिटिंग में, ठीक है। शेयर करो एंड लाइक करो, कॉमेंट करो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखनी है। और यार मतलब चलो यार सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलता हूँ किसी और एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय। एंड बता देना यार नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। बाय बाय।